किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी बिल्कुल, इसी सोच पर एक इंसान चलता है और समाज में अपना नाम कमाता है, समाज के बीच में अपना स्थान पुख्ता करता है और उन्हीं का होकर रह जाता है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर के पूर्व विधायक और बहुत ही लोकप्रिय राजनेता राजीव गुंबर का। राजीव गुंबर जी, आपका कार्यक्रम खुल के बाद संदीप के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें यहाँ पर बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्या है राजीव गुंबर? क्या है राजीव गुंबर? राजीव गुंबर एक सेवक है। जनता का काम करने के लिए उसके बीच में जाना और उसके हर जरूरत को पूरा करना, इसका नाम है राजीव गुंबर। बचपन से लेकर अब तक राजीव गुंबर क्या था? ये तो जब राजनीतिक में आप आए और उसके बाद आपने जनसेवा का कार्य का बीड़ा उठाया, लेकिन बचपन से लेकर और इस राजनीति में आने तक भी तो राजीव गुंबर थे। मेरा प्रारंभ से ही राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में जुड़ाव बचपन से रहा है। मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक के रूप में समाज के अंदर सेवा का भाव लेकर जो चलने वाला संगठन है उसका कार्यकर्ता रहा हूं। और वही मेरी बचपन और उसके बाद के दिनों से आज तक का जीवन दिनचर्या है, उसी प्रेरणा से। तो बचपन में क्या आप शरारती थे जो आपके पिताजी ने आपको शाखा में भेज दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शरारती तो कभी नहीं रहा, लेकिन मैं गुस्से वाला तो बहुत रहा हूँ। अच्छा। लेकिन शरारती कभी नहीं रहा। और मेरे फादर बहुत, मैं भी 12-13 साल का था तब एक्सपायर हुए थे, तो इसलिए वो दिन, हाँ मुझे उनका प्यार बहुत रहा, लेकिन मैं शरारती कभी नहीं रहा। कोई ऐसी बात बचपन की जो याद हो आपको, जो शेयर करना चाहें आप दर्शकों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बचपन में ऐसा कोई घटनाक्रम याद नहीं आता कि मेरी शरारत की वजह से कभी मेरे माँ बाप को नीचा देखना पड़ा हो या मैंने कोई शरारत में आकर किसी को तंग करने का काम करा, ऐसी कोई घटना मुझे अब तक याद नहीं आती। यानी बहुत ही सभ्य बचपन आपका रहा है, हम ये कह सकते हैं। जी जी, जैसी राजनीति आपकी सभ्य है वैसा ही बचपन आपका। आपका जो बिजनेस था पहला, वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आज भी है। आज भी है। वो आपने अपने पिताजी के नाम से प्रारंभ किया था? नहीं, मेरे पिताजी के समय से ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा, यानी पिताजी के समय से ही। हाँ, हमारा पुश्तैनी कारोबार सन 1957-58 से ट्रांसपोर्ट का ही रहा। अच्छा, 57-58 से आप जो है लोगों का सामान इधर से उधर भेजने में लगे हुए हैं। हमारा बसों का बेसिकली बिजनेस था। हम आप जैसे लोगों को इधर से इधर भेजने का कार्य करते हैं। सामान नहीं, इंसानों को इधर से उधर ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का आइडिया आपके पिताजी का था? जी हाँ, मैंने उसी परंपरा को, उसी बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करा। और ट्रांसपोर्ट के बाद राजनीति, ये कहां से परिवर्तन आया? मैंने कहा ना कि मैं बाल्यकाल से ना आरएसएस के संपर्क में आ गया और वहीं से हम लोग, मेरे एक मित्र हैं उनके फादर पॉलिटिक्स में थे, तो उनके माध्यम से मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी आ गया और धीरे धीरे कब राजनीति की गहराइयों में पहुंच गए ये खुद को भी पता नहीं चला। आपने कहा कि आप बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं में जाते रहे हैं और जिस एज ग्रुप में आप इस समय हैं, तो लगता है कि उस समय शाखाओं में जाना कोई आसान काम नहीं था और उनके ऊपर प्रतिबंध बहुत ज्यादा थे उस समय पर। नहीं, जिस काल में मैंने जाना प्रारंभ करा उस समय प्रतिबंधों की इतनी ज्यादा परामर्श नहीं थी। अच्छा। उस समय संघ की शाखाओं में बाल्यकाल में बच्चे
शाखाओं में सबसे पहला जुड़ाव बाल्यकाल में ही व्यक्ति का होता है जी। उसी उस एज ग्रुप में मैं जुड़ा, मुझे कभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब वो उस तरह की परेशानी आपको नहीं आई? नहीं। वरना एक समय बाद तो तत्काल फिर भाजपा में कहीं ना कहीं संगठनात्मक जिम्मेदारी लगातार मिलती चली गई, तो मैं भाजपा के विभिन्न पदों पर आ गया। अच्छा, कभी आपको ऐसा तो नहीं लगता मन में, कभी सोचते हो अकेले बैठते हो कि यार ये कहाँ आ गया, मैं अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था? ऐसा कभी मन में भाव नहीं आया। देखिए, यदि मन में भाव समाज सेवा का है तो ये इतनी बड़ी फील्ड है कि आपको शायद अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। आपकी जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा दूसरे के लिए है। आज भी हम लोग जब बैठते हैं तो अपनी परिस्थितियों में जब बैठते हैं तो बहुत मुश्किल काम होता है अपने लिए वक्त निकालना। जब कभी भी आप अपने लिए वक्त निकालते हैं तो साहित्य की अभिरुचि आपकी क्या रहती है, क्या पढ़ना पसंद? मुझे साहित्य का कभी शौक नहीं रहा ज्यादा, लेकिन पांच जनने के माध्यम से और अन्य अन्य अखबार डेली पढ़ना, अखबार के माध्यम से समाज की पूरी जानकारी रखना, अच्छी बुरी चीजों को जानकारी रखना, ये सब चीजें रही हैं। लेकिन ऐसा कोई मैं साहित्य में कहूँ किसी में कवि का, किसी लेखक का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, ऐसा कभी मैं नहीं रहा। सांस्कृतिक अभिरुचि? सांस्कृतिक अभिरुचि में एक समय था थोड़ा बहुत गानों का, पंजाबी गाने और ये इनका सुनने का शौक रहा, वरना तो ऐसा कभी मैंने कहा ना कि मैं शायद अपने लिए कोई इस तरह का वक्त निकाल ही नहीं पाया कि मेरी अपनी कोई रुचि डेवलप हो पाई हो। मेरी रुचि सोशल वर्किंग में थी, वो मैंने अपने आप को पूर्ण लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ उसमें अपना समय दिया। तो जो शादी की आपने वो अपने मन से करी है या वो भी जन सामान्य के प्रेशर के बाद की? नहीं, वो एक जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके तहत की। सामाजिक व्यवस्था है, हम लोग ग्रस्त जीवन में हैं, या तो हम लोग प्रचारक जीवन में निकल जाते तो हो सकता है शादी ना करते, लेकिन ग्रस्त जीवन में है, परिवार है, परिवार के साथ परिवार की इच्छाएं हैं, तो उसमें जो रूटीन में जैसे एक आम व्यक्ति की जिंदगी होती है उसी जिंदगी को जीते हुए हमने शादी भी करी। अब बहुत ही एक नेचुरल सी बात है कि आपका समय घर पर सबसे कम आप दे पाते होंगे, तो आपकी धर्मपत्नी को शिकायत होती है आपसे? मैं नहीं मानता किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति की धर्मपत्नी को शिकायत ना हो। अच्छा, ना हो? हाँ, ये तो रहेगी। देखिए, जो आप समाज के लिए काम समय निकालते हैं उसमें आप अपने परिवार का समय, अपनी धर्मपत्नी का समय, अपने बच्चों का समय, अपनी माँ बाप का समय और अपने बिजनेस के समय को भी कहीं ना कहीं काट कर ही आप समाज के काम को कर सकते हैं। और परिवार का समय या धर्मपत्नी का समय, बच्चों का समय, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे काट कर ही आप समाज को समय दे सकते हैं। आपके राजनीति के जो शुरुआती दौर था उसमें किसने आपको सपोर्ट किया? देखिए, इस कैमरे पर आकर यदि मैं एक व्यक्ति का नाम लूं तो वो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे जीवन काल में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट कराया और मैं ताउम्र पूरी जिंदगी उन लोगों को उसी रूप में मानता हूं और मानता रहूंगा जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर मुझे एक मुकाम दिलाने का काम किया, मुझे सहयोग देने का काम किया, मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे एक व्यक्ति का नाम लेके मैं बाकी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को कम नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं यानी आपको बनाने में, आपके करियर को बनाने में। आप पहली बार में ही आप विधायक बन गए, आपने शायद सभासद का भी कोई चुनाव पहले उससे नहीं लड़ा था, सीधे विधायकी का चुनाव लड़ा और विधायक बन गए, क्या सूत्र था वो? नहीं, उसमें कोई सूत्र जैसी चीज नहीं। मेरे 20 साल का राजनीतिक जीवन है। मैं सन 95 के अंदर, शायद 94 या 5 में, मैं अपने बीजेपी के जो वार्ड इकाई है उसका कोषाध्यक्ष बना था और उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाऊ। मैं कोई आसमान से आया हुआ राजनीतिक व्यक्ति या परिवार से आया हुआ राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मेरी राजनीति का क्रम मेरे वार्ड के स्तर से शुरू होकर युवा मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ और बीजेपी की क्षेत्रीय समिति, प्रदेश कार्य समिति, इन सब पदों पर रहते रहते मुझे पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि आप एक कार्यकर्ता को आशीर्वाद दे कि आप चुनाव लड़ें। उसमें व्यक्ति कम और मेरे संगठन की भूमिका ज्यादा थी, और या मैंने जो संगठन के साथ संगठन के
नीति के अनुसार काम करा, तो संगठन के लोगों ने मुझे अपनी नीति के अनुसार काम करते हुए पाया और समाज ने उसमें मुझे अपना इस विषय से आशीर्वाद दिया कि 20 साल से पूरे समाज के अंदर हर सुख दुख में, उनकी हर जरूरत में सक्रिय भूमिका में था। इसलिए मुझे ये पहली बार में पार्टी ने टिकट दिया तो पहली बार मुझे विजय प्राप्त हो गई। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि आप पहले से ही समाज से जुड़े हुए थे, यही आपका सूत्र था। आपके विधायक बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि बहुत युवा होते हुए भी आपने अपने कई वरिष्ठों को मात देते हुए ये टिकट हासिल किया था। नहीं नहीं, मैं तो ये कहूंगा मैंने अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त करके टिकट प्राप्त की। अच्छा, मैं किसी वरिष्ठ को मात देने वाली बात तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब भी राजनीतिक क्षेत्र में कोई टिकट की भाग दौड़ में होता है, ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा उम्र वाले को टिकट मिले और कम उम्र वाले को ना मिले, या कम उम्र वाले को मिले ज्यादा वाले को ना मिले। राजनीतिक रूप से पार्टी, और ये तो हमारा एक ऐसा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यहां पर कार्यकर्ता का सेवा भाव और उसकी काम करने की वर्किंग को देखा जाता है। उसी वर्किंग को देखते हुए पार्टी ने उनके मुकाबले मुझे आशीर्वाद दे दिया। मैं इसके लिए पार्टी को ताउम्र अपना एहसानमंद भी रहता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं। और मेरे से भी, मैं आज भी मानता हूं, मुझसे ज्यादा मेहनती लोग, मुझसे ज्यादा पुराने लोग पार्टी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं उन सबको प्रणाम करते हुए अपनी रास्ते को तय कर रहा हूं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपको चाय बहुत पसंद है, क्या इसलिए कि आपकी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी संबंध चाय से है, तो कहीं उनको प्रभावित करना चाहते हैं आप? देखिए, चाय और नरेंद्र मोदी जी के जीवन में चाय का महत्व इसलिए कि उन्होंने चाय बेची है, पीने का महत्व कभी नहीं आया उनके जीवन में। लेकिन मैंने अभी फिर वो बात दोहराऊंगा जो मूल रूप से मेरे संगठन की बात है। हमारे आरएसएस के संगठन में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन में चाय का बहुत बड़ा महत्व है। चाय हमारे लिए एक संपर्क का माध्यम है, और उस संपर्क के माध्यम में चाय पीने के नाम पर हम लोगों से संपर्क बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, चाय पीकर लोगों से संपर्क बढ़ाने का कार्य करते हैं आप, तो अक्सर इसका मतलब चाय पर तो आप जाते ही रहते होंगे सब लोगों से मिलने के लिए। क्या आप के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनी रहती है हमेशा, ये हमेशा देखा जाता है, लेकिन एक उग्र नेता की छवि भी आपकी है कि अगर कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा होता है या कराना होता है तो वहां जाकर आप जो प्रभाव डालते हैं अपना, वो एक उग्रता से सामने आता है, तो इसका नुकसान होता है या फायदा होता है? नहीं, मैं इसका नुकसान नहीं मानता। व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से अपने रिएक्शंस करने पड़ते हैं। यदि हम किसी क्षेत्र में जाकर अपनी पब्लिक के लिए हाथ जोड़कर ही केवल काम करने की बात करें तो आज के तंत्र में शायद वो संभव नहीं होता। तो इसलिए जहां हाथ जोड़ के और प्यार से काम करवाने की आवश्यकता है, और वहीं लड़कर भी काम करवाने के लिए हमें सबको तैयार रहना चाहिए। लड़ने के लिए भी तैयार रहना, बिल्कुल लड़ने के लिए, अपने हक की लड़ाई, अपने व्यक्ति के हक की लड़ाई, और अपने सपोर्टर की, अपने वर्कर के हक की लड़ाई के लिए हमेशा व्यक्ति को लड़ना चाहिए। कभी राजीव कुमार ने अपने पड़ोसियों से कूड़े के ऊपर लड़ाई करी? नहीं, कभी नहीं। मेरे पड़ोसियों से मेरे बहुत मधुर संबंध रहे हैं। इवन दैट, यदि मैं इस जो क्वेश्चन आपने करा, यदि कोई मेरा पड़ोसी कूड़ा मेरे घर के बाहर डाल जाएगा तो मैं उस कूड़े को स्वयं उठाकर फेंकने का काम करूंगा, उसे प्यार से समझाने का करूंगा। लड़ने का काम कभी ना मैंने किया ना मैं करता हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सभी पड़ोसी भी सारा कूड़ा आपके सामने डाल जाते होंगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है, जिस व्यक्ति के पड़ोसी से मधुर संबंध नहीं है, उसके समाज में किसी भी मधुर संबंध नहीं रह सकते, क्योंकि सबसे निकटतम रिश्तेदार तो पड़ोसी ही होता है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और एक पूर्व विधायक के मुंह से जब ये बात निकलती है कि अगर हम अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध नहीं रखते हैं तो शायद हम समाज में किसी से अपने संबंध मधुर नहीं रख सकते। ये बहुत सोच का विषय है। तो राजीव जी, आज जब आप एक राजनेता के पद पर हैं, आपकी पहचान है, आप कहीं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो लोग आपको चेहरे से पहचान जाते हैं, तो कहीं मन करता है पानीपुरी के ठेले को देख करके यार खा लिया जाए? बिल्कुल, और मैं आज भी खा लेता हूँ। अच्छा, खा लेते हैं? बिल्कुल, कभी मैं कभी कभी आपको पानीपुरी के ठेले पर गोलगप्पे खाता मिल जाऊंगा। अच्छा, मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। तो मैं एक आम व्यक्ति की तरह जीवन को जीना पसंद करता हूँ। आज भी मैं विधायक था तो भी मैं एक आम व्यक्ति की तरह जीवन को जीना पसंद करता था, और आज भी एक आम व्यक्ति की तरह जीवन की सभी चीजों को
पसंद करता हूँ। आपके अपने कार्य क्षेत्र में तो आपको सब जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो पहली पंक्ति में आसानी से स्थान मिल जाता है, लेकिन जब कहीं बाहर जाते हैं, बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, और अगर प्रथम पंक्ति में स्थान नहीं मिलता तो परेशानी होती है? नहीं नहीं, ऐसी कभी वो परेशानी बहुत ज्यादा महसूस नहीं है। मैंने कहा ना, मैं एक आम व्यक्ति का जीवन जीना पसंद करता हूँ, और यदि एक आम व्यक्ति की तरह मुझे आखिरी पंक्ति में बैठना पड़े तो मुझे कभी कोई परेशानी महसूस नहीं होती। आम व्यक्ति के रूप में आपको शाही पनीर और दाल मखनी बहुत पसंद है, और ये आप खुद बनाते हैं, आपकी धर्मपत्नी बनाती है, या बाहर से मंगा कर? मैं केवल चाय बना सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकता। अच्छा, मैं कुक नहीं, मतलब कभी मैंने कुकिंग नहीं की, मेरी पत्नी बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, और मैं खूब मजे से खाता हूँ। तो जब इस तरह के कार्य करने का अगर कभी आप पर समय आता है, तो क्या आप कभी कोई मुसीबत होती है कि मुझे सिर्फ चाय बनानी आती है और कुछ नहीं आता? नहीं, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। अच्छा, कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या भाभी कभी मायके नहीं जाती है? मायके जाना तो परिवार है ना, संयुक्त परिवार है। अच्छा, परिवार के लोग परिवार के सदस्य रहते हैं। ठीक, यानी भाग्यशाली हैं आप, या आपको इस तरह के दुविधाओं में कभी उलझना नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा कभी बहुत ज्यादा कभी उलझना नहीं। चलिए एक खेल खेलते हैं, एक रैपिड फायर का, उसमें दुविधाओं में हम कोशिश करते हैं आपको उलझाने की, और देखते हैं कि क्या आप उलझ पाते हैं उन दुविधाओं में या नहीं। तैयार हैं आप? देखते हैं, बिल्कुल। आप बताएं क्या आपका रैपिड फायर है क्या? जी, मेरा रैपिड फायर है, मैं शुद्ध हिंदी में आपको कुछ शब्द दूंगा। अच्छा, आपको उनके प्रचलित भाषा के शब्द बताने हैं। बताइए, देखते हैं। ठीक है जी। कंठ लंगोट, इसका मतलब मुझे हिंदी जो आम जी आम भाषा में कंठ लंगोट को क्या कहते हैं? कंठ लंगोट, कंठ लंगोट, ताई, 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 चाची ताई, ताई। अच्छा, ताई, बिल्कुल ठीक। महिला मुख कायाकल्प केंद्र, महिला मुख कायाकल्प केंद्र, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, बिल्कुल सही बात। गोलगट्टम सदा मध्यम तड़ातलम प्रतियोगिता, दोबारा रिपीट करिएगा। गोलगट्टम सदा मध्यम तड़ातलम प्रतियोगिता। सरेंडर। अच्छा, सरेंडर, जबकि राजीव कुंभर आसानी से सरेंडर करता नहीं है कभी, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अगर कहीं बात होती है अपनी गलती मानने की, अपनी हार मानने की, तो वो भी स्वीकार करता हूँ। जी, ये है क्रिकेट। जो हर आम, दोबारा रिपीट करिएगा। गोलगट्टम सदा मध्यम तड़ातलम प्रतियोगिता। लोहपत गामिनी आवक जावक सूचक, लोहपत गामिनी आवक जावक सूचक, रेल, ट्रेन, 50% सही है आप। लोहपत गामिनी आवक जावक सूचक, ट्रेन का सिग्नल, ट्रेन का सिग्नल, बिल्कुल सही बात। भ्रमण भाष, कार, नहीं, बहुत ही पॉपुलर शब्द है आज का ये, और उसके बिना आप जीवन ही नहीं सोच सकते आज की डेट में किसी भी इंसान का। भ्रमण भाष, भ्रमण भाष, मोबाइल। दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी, दुग्ध, दुग्ध जल शर्करा युक्त मिश्रित पहाड़ी बूटी, मिश्री, नहीं, फिर से देख लीजिए। दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी, चाय। वस्त्र नियंत्रक, बटन, बटन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पहुंचे आप वहां पर। त्रिचक्र वाहन, थ्री व्हीलर, हाँ, थ्री व्हीलर, बिल्कुल, अब आप बिल्कुल सही पर पहुंच गए। क्षीण चक्षु शक्ति उर्वरक, चश्मा, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। और आखिरी उद्घोषक, एंकर। बहुत बढ़िया, कहीं कहीं फंसे आप, लेकिन फिर भी इस विषय में आपका ज्ञान बहुत बढ़िया है, और हम आपको 80% मार्क्स के हम पास करते हैं जो, और इतने ही वोट आपको चाहिए भी होते हैं जीतने के लिए, इतने मिल जाए तो फिर जीत हो ही जाती है। बिल्कुल राजीव जी, आप पर एक आरोप ये भी है कि आप अपने समाज के लोगों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, कितनी सत्यता है सर? यानी जाति को अपने समाज से, मतलब आपका जाति से? देखिए, मेरे लिए जाति का कभी कोई महत्व नहीं रहा। यदि मैं अपने बचपन के कार्यकाल से और राजनीतिक क्षेत्र के मित्रों की बात करूं, तो मेरे पास जो बहुसंख्यक मेरे मित्र होंगे वो नॉन पंजाबी, मैं पंजाबी हूं, लेकिन मेरे बहुसंख्यक राजनीतिक मित्र
और मेरे बचपन के मित्र, काफी कुछ 50% के लगभग नॉन पंजाबी होंगे, तो ये तो मेरे जीवन का एक, देखिए दोस्त कभी भी सोच कर नहीं बनते। बिल्कुल, दोस्ती एक ऐसी चीज है, वो मन की भावना थे और अपने आप पैदा होती है। तो वो जब मन के भाव वो नहीं है तो मेरे व्यवहार में या मैं उस तरह का बढ़ावा देने की बात सोच भी नहीं सकता। आपका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, कहीं दुख होता है मन में कि जो सोचा होगा आपने वो कर नहीं पाए? ये बात ठीक है, मुझे यदि पूरा कार्यकाल मिला होता तो निश्चित रूप से मैं उस 2.5 साल के कार्यकाल के मुकाबले 5 साल के कार्यकाल में जितना काम मैंने किया उससे 4 गुना करता। मैं दुगना नहीं कह रहा जी। देखिए पहला साल व्यक्ति के सीखने में बीत जाता है, कोई भी व्यक्ति परिपक्व नहीं होता। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, आप दुकानदारी करेंगे, आप राजनीति की फील्ड में जाएंगे, आप विधायक बनेंगे, आप MP बनेंगे या किसी पद पर आएंगे, तो आपको 4-6 महीने साल भर सब कुछ सीखने में लग जाता है। और मुझे तो उसके बाद सीखने के बाद 1.5 साल मिला, और उसके बाद का मेरा पीरियड 2.5 साल उस 1.5 साल के मुकाबले गिनता हूं मैं। यदि 1.5 साल में मैंने जो काम करेंगे तो 2.5 साल में मैं और 2-3-4 गुने काम कर पाता। बिल्कुल, आप सांस्कृतिक रूप से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने क्षेत्र में बहुत एक्टिव है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रारंभ के लिए, उद्घाटन के लिए आप सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व हैं। तो कभी उन कार्यक्रमों में जो शामिल होते हैं, सामने बैठते हैं, तो कभी मन करता है कि मैं भी स्टेज पर जाऊं और कुछ परफॉर्म करूं? ऐसा मन कभी कभी कर पड़ता है। देखिए व्यक्ति के मन के भाव होते हैं, हम लोग सब लोग, राजनीतिक व्यक्ति भी कोई बहुत नीरस व्यक्ति नहीं होते, मन के चंचल मन स्वभाव से सामान्य व्यक्ति होता है। तो जब एक सामान्य व्यक्ति को मन में कुछ कल्पनाएं होती हैं तो ऐसे ही एक राजनीतिक व्यक्ति के मन में भी कुछ ना कुछ कल्पनाएं रहती हैं और अपनी पसंद के हिसाब से वो उसमें कई बार सहभागी होने की सोचता भी है। आप इतने स्मार्ट हैं, आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, जिसको कहा जाता है वो बिल्लौरी आंखें। ये तो आपके देखने का अंदाज है कि आप हमें स्मार्ट देख पा रहे हैं। जो है मैं वही बता रहा हूँ। तो युवावस्था में कभी गलतफहमी नहीं हुई कि चले बंबई चला गए? नहीं, ऐसी कभी गलतफहमी, कभी इच्छा नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई। जबकि फिल्में तो देखी होंगी, पसंद भी करते होंगे। बहुत ज्यादा समय मेरे को अपने लिए जीने को कम मिला ही नहीं, ना तो बहुत ज्यादा मैंने फिल्में देखने का शौक रहा, ना अन्य कोई भी शौक है। तो मैं शुरू से फील्ड में, अपने बिजनेस में और समाज सेवा में इतना ज्यादा बिजी रहा हूं कि मुझे शायद अपने लिए सोचने का बहुत ज्यादा वक्त कभी मिला ही नहीं। आपकी मैरिज लव थी या अरेंज? अरेंज। बिल्कुल अरेंज थी, 100% अरेंज। आप उसी व्यवस्था में विश्वास भी करते हैं? बिल्कुल। लेकिन आगे अब जैसे आज का समय हो रहा है, बहुत बुरा नहीं मानते जा रहे हैं, तो उसमें बुरा भी नहीं मानता व्यक्ति यदि कुछ सोच के, वो अच्छे और बुरे को सोच के यदि लव मैरिज भी करता है, उसकी अच्छाई बुराई देख के, अपने परिवार की परिस्थिति, अपने माँ बाप की परिस्थिति, उनके मान सम्मान को देखते, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सबको उस चीज को देखकर अपने जिंदगी के निर्णय लेने चाहिए। ठीक। आखिरी बार ठुमका कब लगाया था आपने? वो तो कभी कभी अपने परिवार के कुछ फंक्शंस होते हैं तो लगा लेते हैं, या होली पर उस तरह के माहौल में। हाँ, कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। तो जिस समय राजीव कुंभर डांस कर रहे होते हैं तो मन में क्या होता है उस समय पर? कुछ नहीं, एक मन उल्लास से भरा हुआ, खुशी, मन की खुशी से ये सब चीजें हो सकती हैं, कोई दिखावे के लिए नहीं हो सकती। और हमें तो दिखावा कर ही नहीं सकते, हम यदि कहीं करेंगे भी तो छुपके करना पड़ता है इस कैमरे से। आपके आदर्श? मेरे आदर्श, देखिए मैं संगठनात्मक व्यक्ति हूं और मैं एक व्यक्ति के जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी। उस एक व्यक्ति ने आजादी के लिए एक इतना बड़ा संगठन खड़ा करा कि वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा प्रेरणादायक उनका जीवन है। अटल जी मेरे प्रेरणादायक हैं कि एक आम व्यक्ति एक आम जीवन से चलते किस प्रकार समाज में सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम, जोड़ने का काम जैसे अटल जी करते थे। अटल जी की एक बात कि उनके विपक्ष के लोग उनकी प्रशंसा करते थे, विरोधी दल के लोग उनके भाषण को पसंद करते थे, ये अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। और आज के युग में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय योगी जी, नरेंद्र मोदी जी की खासियत उनका मैनेजमेंट। मैं अक्सर कहा करता हूं जहां पर हमारी सोच खत्म होती है वहां उनकी सोच शुरू होती है। तो हर चीज को मैनेजमेंट करना, उस पर बहुत त्वरित ढंग से निर्णय लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
योगी जी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपने आप में बहुत है। जब आप युवा थे, युवा वैसे आप अब भी हैं, लेकिन जब और कम उम्र थी और जब कॉलेज जाया करते थे आप, आपने कहा गुस्सा आपके अंदर बहुत था, तो कभी मारपीट या इस तरह की कोई घटनाएं हुई है? हुई। तो आप कभी कभी आप पूरी तरह से भाग लेते थे उसके अंदर? नहीं, पूरी तरह भाग मैं कभी उद्दंड नहीं रहा। जी जी। लेकिन किसी चीज को गलत को सहना मेरी प्रवृत्ति में कभी नहीं रहा। मेरी इसी बात पर हुई होगी जब भी हुई है, मैं अपनी ओर से किसी को बदमाशी या उस तरह का मेरी ना कभी छवि रही, ना कभी आपने सुना होगा, ना राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कभी अपने पद का, अपने स्वयं का उपयोग उस प्रकार में किया, ना मैंने अपने छात्र जीवन में करा। ऐसे कौन सा कार्य है जो आप बहुत करना चाहते हैं, बहुत पसंद है आपको? मुझे अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाना और यहाँ का जो गरीबों का स्तर है, उनकी जो जरूरतें हैं वो किस प्रकार पूरी हो सकती है, इसका एक बहुत बड़ा सपना है मेरा मन में है कि मैं किस प्रकार से उनको एक हेल्पफुल हो सकता हूँ और उनके लिए काम कर सकता हूँ। और ऐसा काम कोई जो बिल्कुल ना पसंद हो, जो आप कभी नहीं करना चाहते? देखिए, मेरी नज़र में मैं ना तो बुराई सुनना पसंद करता हूँ, ना बुराई करना। मैं अपने प्रतिद्वंद्वों की भी बुराई नहीं करता और ना जल्दी ज्यादा उन, देखिए व्यक्ति की प्रवृत्ति है और राजनीतिक क्षेत्र में तो एक प्रवृत्ति ये भी है कि दूसरा व्यक्ति जो आएगा वो आपके नजदीक इस बात को लेकर होना चाहता है कि वो दूसरे की बुराई करेगा और आपके नजदीक पहुंचेगा, लेकिन मैं उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। आपके बचपन के दोस्त जो हैं उनसे आपके अभी संबंध है? बिल्कुल है, पारिवारिक है। ठीक। मैंने जिंदगी में इतने अच्छे दोस्त पाए हैं और वो बहुत बड़ी संख्या में, मुझे ये भगवान की कृपा मानता हूं कि इतने अच्छे दोस्त मिले। देखिए, व्यक्ति की संगत का व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं ये मानता हूं यदि आपके संगत के लोग, बचपन के लोग अच्छे होंगे तो शायद आपका जीवन सही दिशा में जाएगा, और यदि वो गलत आपकी संगत में आ गए तो आपका जीवन भी विपरीत दिशा में जा सकता है। हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं राजीव जी, बहुत बढ़िया गुफ्तगू आपके साथ यहाँ पर रही, आपके बहुत से जीवन के पहलुओं को आज सबने जाना है। तो इस गुफ्तगू को बिल्कुल अंजाम पर पहुंचते हुए एक संगीत में अंत हो तो बड़ा खुशनुमा माहौल के साथ हम आज की इस गुफ्तगू का अंत करेंगे। एक कोई गाना कोई आप गुनगुनाना चाहें, या जो गुनगुनाते हो, या जो आपको पर्सोनिफाई करता हो, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता हो? एक गाना, कम भजन, या जो भी इसे कह सकते हैं, मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ जी, हो जाए तो मेरे को कुछ ऊर्जा देता है, कुछ प्रेरणा देता है। और मेरा गला तो बिल्कुल बेसुरा है, लेकिन मैं उसे गुनगुना देता हूँ आपके जी। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। बहुत को राजीव गुंबर वो शख्सियत है कि जिनकी शरण में जो गया वो उनका होकर रह गया। आज लोग बात करते हैं कतरे की तरह, बदलते हैं ईमान कैलेंडर की तरह, लेकिन इस देश की सभ्यता और संस्कृति को बचा सकते हैं वही जो डूबते हैं मझधार में लंगर की तरह। और ऐसे ही लंगर हैं राजीव गुंबर। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम खुल के बाद संदीप के साथ में आए और खुलकर पूरे दिल से आपने हमारे से बातें करी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आज आपने भी जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जिन्हें मैं सालों से भूला पड़ा था, आज दोबारा झंझोड़ने का काम किया, उन्हें हिलाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।